मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू ब्लॉग गाइस। है फर्स्ट डे इन साउथ अफ्रीका एंड यहाँ पे काफ़ी धूप है, मतलब अभी समर्स है यहाँ पे और केन्या में विंटर्स था, तो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट आई एम एंजॉइंग अ बिट। काफ़ी सनी डे है, सो इट्स गुड। मेरा स्किन भी काफ़ी ग्लो हो रहा है सनलाइट से। सो फर्स्ट डे का प्लान ये है कि आज हम शॉपिंग करेंगे, मतलब साउथ अफ्रीका आए और शॉपिंग नहीं किया ये तो हो ही नहीं सकता है। एंड थैंकफुली अभी ब्लैक नवंबर है, मतलब लास्ट या सेकेंड लास्ट डे है, तो आज हम जाके फुल शॉपिंग करेंगे, फुल लूट मचाएंगे यहाँ पे। आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बट थोड़ा सा टचअप वगैरह करना है, फिर निकलते हैं शॉपिंग के लिए एंड थोड़ा सा साउथ अफ्रीका घूमने के लिए। चलो भैया, अब हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। हमारी कैब अभी सामने है, थोड़ा सा चल के जा रहे हैं, फिर कैब में बैठ के चलते हैं, थोड़ा अच्छी अच्छी शॉपिंग करना है। आ गई हमारी सवारी। क्या लग रहा है श्री, फर्स्ट डे इन साउथ अफ्रीका? बहुत बढ़िया यार, गर्मी तो है, थोड़ा गर्मी है कंपेयर टू केन्या, बट जगह इतनी सुंदर है, इतना अच्छा एनवायरमेंट है, तो मजा आ गया। और इतना जो सनलाइट है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली वीडियोज तो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। तो हमारे कैब में हम बैठ गए और अब हम जा रहे हैं, कौन से मॉल में जा रहे हैं? सैंटन सिटी मॉल। बहुत ही सुंदर सा मॉल है। सो जिस जगह में हम रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा मतलब बिल्डिंग्स नहीं है, ज़्यादा ऐसा इंडिविजुअल हाउसेस है और इतने सुंदर सुंदर हाउसेस और इतने बड़े बड़े हैं ना, लाइक दे हैव देयर ओन टेनिस कोर्ट ना, हाँ टेनिस कोर्ट है, फिर स्विमिंग पूल है, इतने सुंदर इतने बड़े हैं। तो आई शो यू सम सीनरीज, बहुत ही वंडरफुल दिखता है, जैसे मूवीज में दिखता है ना सेम वैसे ही। दो टाइप के हाउसेस हैं, एक तो मैंने इंडिविजुअल हाउस बताया, जैसे जहाँ पे एक बड़ा हाउस है इंडिविजुअल हाउस, उसके अंदर ही क्वार्टर्स है एंड वैसे है एंड स्विमिंग पूल्स है, फिर टेनिस कोर्ट है, बड़ा सा लॉन है वैसा है। एंड दूसरा एक क्लस्टर हाउस जो कि तीन माले का होता है ना, तीन माले का बिल्डिंग टाइप होता है, जो कि बहुत कम है बट ज़्यादा इंडिविजुअल हाउसेस ही है एंड इतने सुंदर। मेरे पीछे ही एक बड़ा सा घर है, सी कितना मस्त है ये। ये है सैंटन टावर्स और इसके बाजू में है, आई होप यही है मॉल जहाँ पे हम जाने वाले हैं। मॉल में आ चुके हैं और इतना बढ़िया मॉल है ना भैया, इतना मस्त, घुसते एकदम लग्जरी वाली फीलिंग आ रही है। और आज तो काफ़ी भीड़ है क्योंकि अभी ब्लैक नवंबर, ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, इसके लिए तो सेल्स है और बहुत कुछ ऑप्शन है, इसके लिए आज बहुत भीड़ दिख सकता है आपको। रहा जारा का बड़ा शोरूम, काफ़ी बड़ा है, बट हम जाने वाले हैं ये वाले शॉप में, तो मुझे सजेस्ट किया कि ये वाले शॉप में जाना चाहिए या फिर काफ़ी ऑफर्स है, तो हम जाएंगे यहाँ पे। ये वाली शॉप से मेरी अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है, तो काफ़ी सारा कुछ ऑप्शंस मिला है, ट्राई भी किया है मैंने, तो अभी एक और जगह जाना है। एक्चुअली इधर फ्राइडे मतलब ब्लैक फ्राइडे है, तो काफ़ी कम प्राइसेस में मिल रहा है, तो रीजनेबल प्राइसेस में मिल रहा है, सो सब उठाने का मन कर रहा है मेरे को, तो कि अब चलते हैं दूसरे शॉप में, वहाँ क्या लूट मचानी है देखते हैं। ये वाले स्टोर में तो देखते हैं, यहाँ पे भी ऑफर्स है, सब ब्लैक फ्राइडे ऑफर्स है, तो यहाँ पे भी लूटते थोड़ा सा। काफ़ी सारे एक्सेसरीज है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस भी है एंड गॉगल्स भी है यहाँ पे, तो मुझे ये वाला मिला दो सेट एंड इट्स प्रिटी गुड एंड रीजनेबल, तो मैं ये दो लेने वाली हूँ दोनों। एंड उसके साथ आई एम प्लानिंग टू बाई दिस लेयर्ड नेकलेस एज वेल। यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शन है, लाइक दिल लॉक है, फिर यहाँ पे ऐसे हैं और काफ़ी सारे अच्छे कलेक्शन हैं, तो आई थिंक आई विल गो फॉर दिस वन लेयर्ड वन, दिस लुक्स प्रिटी गुड।
जा रही हूँ मेरे लास्ट डेस्टिनेशन में, इतना घूम घूम के फाइनली हम आए हैं H&M में। तो हम जाते भी H&M में थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। चलो H&M में घुसते हैं, यहाँ भी कुछ कलेक्शन देख लेते हैं। इतना लाइटिंग वाला ड्रेस कौन पहनता है भैया? क्या बोलना चाहता है तू, बोल। ये ले ले यार, चिंगी चिंगी कलर है। चिंगी चिंगी इतना लाइटिंग, मतलब लो, अगर रोशनी नहीं रहेगा ना किसी घर पे तो मैं एकदम चमकती रहूंगी। एक कलर ना तुझे मैं एलईडी लाइट्स भी डाल के दे देती हूं, दे देता हूं, तो पूरा नेक्स्ट लेवल। वाओ, साथ में किधर भी है ब्लैक वाले, बट ये तो फिर भी ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही हॉरिफाइंग है। दीक्षा कितना शॉपिंग करेगी यार? चलो भैया, आज की शॉपिंग अच्छी खासी हो गई और एकदम थक गए लिटरली शॉपिंग करते करते, और अभी ऑलमोस्ट मॉल बंद होने वाला है और हमने कुछ खाया भी नहीं है। तो और अभी बज रहे अराउंड 6 बजे और हम निकले थे अराउंड 12:30, तो 12:30 से 6 बजे तक हम बस शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि बहुत खुश था और इतना ऑफर भी था, तो एकदम लूट पाट के आ गए। और अभी कुछ खाने के लिए जाएंगे, फिर डायरेक्टली वहाँ से घर जाएंगे। तो आज का दिन तो पूरा शॉपिंग में चला गया, थक गए फेस से एकदम लग रहा है, कुछ खाया नहीं सुबह से। और अभी कैब बुक कर लिया है, मेरे पीछे का व्यू कितना मस्त है, वाओ सो ब्यूटीफुल। और ये है मॉल सैंटन सिटी, बहुत ही अच्छा मॉल है, जो भी अगर साउथ अफ्रीका विजिट करना चाहता डेफिनेटली शुड इन जोहान्सबर्ग सैंटन सिटी। और देखते भी कैब कब तक आएगा एंड फिर चलते हैं कुछ खाने के लिए। हमारी कैब आ गई और हमने, और यहाँ पे कैब BMW सीरीज भी बुक कर सकते हैं गाइस, तो हमने BMW बुक करी है। आगे आ गया, दिखाते हैं जी हमारी BMW कैब। चुके हैं अभी, यहाँ पे एकदम लाइव कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है खेलने के लिए भी। ऑर्डर दे चुके हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भूख लगा है एंड मैं बहुत टाइम बाद सी फूड खा रही हूँ, तो जस्ट वेटिंग फॉर द फूड। साउथ अफ्रीका में सी फूड, फाइनली फूड आ चुका है, वाओ लुक सो यम, अभी खा के देखते हैं। दीक्षा कैसे लगा प्रॉन्स? बहुत सही यार, बहुत मज़ा है। इसलिए लेकर आया हूँ, इधर का फेमस है ये रेस्टोरेंट का, काफी टेस्टी है। हाँ ये तो सी फूड के लिए फेमस है ये रेस्टोरेंट, मोजाम्बिक।